गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं माई माहिरा के चैनल में आपका स्वागत है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9, तो सुबह 9 बज रहे हैं और हस्बैंड हमारे तैयार हो रहे हैं ऑफ़िस जाने के लिए, क्योंकि वो 2 दिन से ऑफ़िस नहीं गए हैं, तो इसी वजह से वो तैयार हो रहे कि मैं ऑफ़िस जाऊँगा। और आज मौसम बिल्कुल वैसा रख कर रखा है। और ये देखिए मेरा बाबू को, ये देखिए आर्यन उठ के चाय बिस्किट भी खा लिया है और छोटा वाला बाबू से बात भी कर रहा है। ये देखो, हेलो हेलो करो बेटा, ये हेलो नहीं कर रहा है, ये बस इसी तरीके से देखे जा रहा है कि किससे मम्मी क्या कर रही है नहीं कर रही है। और मेरे बच्चे को देख लो, देखो किस तरीके से सब लोग सोते, मुझे रात में सोने ही नहीं देते। कोई इधर घुसता है, कोई उधर घुसता है, बहुत परेशानी लोग कर देते हैं मुझे, तो सही ढंग से सोता नहीं। और छोटा वाला तो कहो मत कि इतना सुबह वो उठ जाता है कि हम बता ही नहीं सकते। ये देखो कैसे कर रहा है, ये सुबह उठ ही के खेलते रहते हैं, करीब सुबह से ही उठ के खेलता है। क्या बनाऊँ ना बनाऊँ कुछ समझ नहीं आता है गैस, सादा खाना घुटाता नहीं है, इसी वजह से समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या खाना बनाऊँ ना बनाऊँ। वही बनाऊँगी चावल दाल बिना छौंका टोंका का, क्या जो होता है, तो जो है सो करना तो पड़ेगा ही हम लोगों को। और सामने में हमारा सामने घर खाली था, उसमें आज रेंट लग रहा है। ठीक है, घर बंद भी रहता था वैसे। और श्रेय आर वांशिका को सोना नहीं आता, देखो किस तरीके से ये सो रखी है, बिल्कुल इधर घूम जाती है वो सोते हुए। और आर्यन को देख लो ज़रा, देख लो, हेलो बोलो आर्यन, हाय करो, तो हाय हाय करो, टाटा कर दो, टाटा कर दो, छुबे छुबे टाटा कर दो, बहुआ टाटा कर दो, टाटा कर दो, आपको टाटा कर दिया। सुबह सुबह उठ के उसका बाल देख रहे, कैसा बाल लग रहा है देखने में उसका, सो गया। तो गैस मुझे इतना दिक्कत हो रही है, बता नहीं सकती, मेरे पैरों में बहुत दिक्कत हो रही है गैस, मैं चल फिर नहीं पा रही हूँ सही तरीके से, मैं चल नहीं पा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। वो जो नहीं होता है क्या कहते हैं उसको, बुखरू, यहाँ कहते हैं बुखरू, हम लोग की तरफ उसे कटैला कहते हैं। कटैला आप लोग अगर बिहारी होंगे, अगर बिहार लोग देख वाले देखते होंगे तो वो समझ जाएंगे कि कटैला किसको कहते हैं और यहाँ बुखरू उसे कहते हैं। तो यार इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझसे चला फिरा नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं जो शॉर्ट वीडियो में डांस करके भी डालती हूँ तो मैं डांस सही से कर नहीं पा रही, उसी वजह से इतना पेन हो रहा है मुझे। ये दिखाती हूँ मैं कैसा बुखरू हो गया है बिल्कुल। ये देखो, ये जो चीज है ना मैंने यहाँ चिपका के रखा है, ये और ये क्या चीज हो है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये है क्या चीज, वो बैंडेज की तरह दिख रहा है मुझे, तो ये बैंडेज, दरअसल ये बैंडेज नहीं है गाइस, ये है क्या कहते हैं उसे, बुखरू, जो मतलब हम भी नहीं जानते थे, तो मेरे हस्बैंड ला कर दिए थे एक बार। तो ये जैसे कि आपके पैरों में वो जो बुखरू हो गया है, तो उसमें वो चिपकाने से क्या होता है ना कि वो जड़ से क्या तो निकल जाता है, बटा नहीं पता नहीं, मैं भी पहला बार ये सुनी हूँ। मैं दरअसल अधिकतर सुनती हूँ कि ये ऑपरेशन से ही निकलता है, वैसे नहीं निकलता। तो ये बुकरू में जो चिपका हुआ है, कटैला में जो चिपका हुआ है, वो दरअसल जब ऑपरेशन होती है, सॉरी जब जहाँ पे वो चीज़ होती है, वो चीज़ एक गोल सी रहती है बिल्कुल, उसमें मतलब कुछ रहता है, इतना गोल सा रहता है, उसमें कुछ रहता है वाइट टाइप का रहता है, वाइट वाइट। तो वो अगर बुकरू पे हम चिपका देंगे तो वो क्या होता है ना कि जब हम चलते फिरते उस पर जब जोर लगता है पैरों का, तो वो क्या तो खिंचा जाता है धीरे धीरे, उसमें जगह बनते बनते छेद बनते में तो वो चीज़ ना खिंचा जाता है, तो एक से नहीं खिंचाता है उसमें, लगातार कम से कम 8-10 पीस जो होते हैं उससे चिपकाना पड़ता, फिर जाके वो शायद निकलता है। पर मैं 8-10 पीस नहीं चिपका पाऊँगी, क्योंकि मुझे चिपकाने से मुझे और भी पेन हो रहा है, क्योंकि मैं चल फिर नहीं पा रही, इसी वजह से और भी दिक्कत हो रहा है मुझे।
तो सबसे पहले मुझे अब इसका कुछ नहीं, अब मुझे इसका ऑपरेशन करवाऊँगी, ऑपरेशन का कुछ होने वाला बात नहीं है। और ठंड का मौसम है तो सही भी हो जाएगा, गर्मी का टाइम है, सूखेगा भी नहीं अगर मैं ऑपरेशन करवाऊँगी तो इसलिए मुझे ऑपरेशन आज करवाना पड़ेगा। मतलब आज नहीं, मुझे जब भी टाइम मिले, मेरे हस्बैंड को टाइम मिले तो मैं ऑपरेशन जाकर इसका करवाऊँगी, क्योंकि बिना ऑपरेशन का ये निकलेगा नहीं, और ये सबसे अच्छी से निकलने वाला बात ही नहीं है। तो चलिए जा रहे खाना बनाने का, इस क्या बनाए नहीं बनाए कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। ऐसे नमक और हल्दी बिना कोई खाना खाना होता है क्या? आपको मालूम ही है कुछ भी नहीं होता है। तो जा रहे हैं, देखते हैं। वैसे तो सिर्फ चावल ही बनाना है, चावल सब्जी बनाऊंगी और कुछ तो बना नहीं सकती। रोटी वगैरह तो कुछ हमारे यहाँ भी बनेगा नहीं एक सप्ताह कम से कम। तो देखते हैं क्या बनाए क्या नहीं, क्योंकि किचन नीचे जाने के बाद भी मुझे सोचना ही पड़ेगा कि मुझे क्या बनाना नहीं बनाना है। तो चलते हैं, चल के देखते हैं क्या बनाए नहीं बनाए। ठीक है गाइस, अगर आप मेरा ब्लॉग पसंद हो तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।